वर्ष 2012 में मैंने खूंटी जिला अंतर्गत खूंटी स्थित ठक्कर बापा अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, जो कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, इस छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर एक वीडियो बनाई थी। इस हॉस्टल में चार ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में चार चार शौचालय हैं, तो पूरा हॉस्टल में कुल मिला करके 16 शौचालय हुए। 16 में अभी केवल दो ही काम कर रहे हैं। पानी की समस्या, पानी के लिए जैसे मोटर लगाया गया था, नल भी लगाया गया था, छत के ऊपर में टंकी भी लगा हुआ है, लेकिन नल और पाइप वगैरह इतना माने कमजोर लगाया गया था, जब पानी जब आने लगा तो पानी के दबाव से अपने आप सब टूटता चला गया। जिस पर बदलाव का प्रक्रिया आज चल रहा है, मैं अमिता और ये है मेरा आदिवासी मुंडा समुदाय। यहाँ के कुछ एक लोग जो है, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर ठक्कर बाबा में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पैसा भी आया हुआ था जीर्णोद्धार का, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और जब और जिसमें कि ज़रूरत थी छात्रावासों के निर्माण की आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद भी वो काम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आते ही 6-7 पत्र जो है संबंधित भवन प्रमंडल को लिखा कि आप जल्द से जल्द हमको एस्टिमेट बना के दें ताकि इसमें आगे की कार्रवाई हो सके, क्योंकि बिना एस्टिमेट के कोई भी काम नहीं शुरू किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने 6-7 पत्र उनको लिखा। उसके बाद उनके द्वारा जो है काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने एस्टिमेट बना के मेरे कार्यालय में जमा किया। तो उसके पश्चात DC से उसमें प्रशासनिक स्वीकृति ली जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति लेने के बाद उनको वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एकाध सप्ताह में वो लोग टेंडर करेंगे, टेंडर करके इस काम को पूरा करेंगे। लैट्रिन की सफाई भी होना चाहिए, उसके बाद ये आपको क्या कहते हैं, वाटर सप्लाई है ना, ये भी होना चाहिए। कह के तो बताए थे उन लोग, लेकिन पता नहीं क्या एस्टिमेट बनाया है, समझ में नहीं आता है। एस्टिमेट तो ये लोग दिखाता नहीं है, इंजीनियर लोग भी आता है ना, लेकिन उनको भी है ना पूछताछ करने से सही ढंग से कोई चीज नहीं बताता। छत पर जैसे कहीं कहीं पर पानी चूता है, तो उसे भी जहाँ जहाँ पर पानी चूता है उसमें प्लास्टर करने के लिए बोला गया था। एक आध जगह प्लास्टर किया है, लेकिन सही जगह में नहीं किया है ना। अपने आप मन से आया और उसके बाद प्लास्टर करना शुरू कर दिया। हम लोगों से पूछा भी नहीं कि कहाँ पर पानी चुका है। अभी तो बस ये पचड़ा हुआ है ना, और नीचे तल्ला में खिड़की सब में शीशा लगा है, उसके बाद और कोई कम नहीं हुआ है। रसोईया के बारे में ये कहना है कि अभी सरकार के द्वारा कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारी दिक्कत यह है कि हम किसी भी रसोईया को नहीं रख सकते हैं। रखने पर उसको फिर पैसा देना होगा। विभाग के द्वारा इस तरह का निर्देश दिया गया था कि आउटसोर्सिंग से रसोईया रखना है, लेकिन उसके लिए वो लोग एक निर्देश देंगे कि कैसे भुगतान करना है, तो वो निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब इस तरह का प्राप्त होता है तो फिर हम लोग रसोईया रखने की कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल छात्रों को ही अपने से व्यवस्था कुछ करना।
सही तरीके से छात्रावास का मरम्मत करने एवं मरम्मत कार्य में तेज गति लाने के लिए संबंधित अधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी खूंटी श्रीमती मीना जी को आप कॉल करें, जिससे कि इस कार्य को सही समय पर पूरा किया जा सके। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।